विजु पट्टनायक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम आरंभ होइछि योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता आरंभ होइछि। मुख्य अतिथि भाव जोगदेइथिले भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर संजीव पंडा, यहासह ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन उपसभापति एवं डीजी स्पोर्ट्स किट डॉक्टर गगनेन्दु दास, एसबीए उपसभापति प्रदीप पट्टनायक ओ एसबीए सेक्रेटरी नीलेन कुमार कार्यक्रम उद्घाटन करथिले। ओएसबीए एवं बीएआई रो मिलित आनुकूल्य किट परिसर अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता कार्यक्रम चली है। ए चीन होगा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भाग नेबापाई चयन प्रक्रिया रही। प्रतियोगित देशर कोण अनुकोणु 1500 प्रतियोगी भाग नहीं, दिनक पाखापाखि 200 क्वालिफायर मैच खेल पर प्रतियोगी चयन कर। अवसर में पुलिस कमिशनर संजीव पंडा खेलाड़ी और कोच मानक ओडिशा स्पोर्ट्स हब कलिंग स्टेडियम परिदर्शन करने टूर्नामेंट को किट विजु पट्टनायक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम आयोजन कर। ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन रो सेक्रेटरी नीलेन कुमार डॉक्टर अच्युत सामंत और किट को धन्यवाद जनाई। निश्चित भाव बहुत खुशी जे आमर ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन और किट यूनिवर्सिटी मिसिकी एटा गोटे ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट कर विभिन्न राज्यर प्लेयर ऑफिशियल्स निश्चित भाव एटा ओडिशा पे आमर गोटे गर्वर विषय जे आमर ओडिशा रे बड़ी गोटे बड़ बैडमिंटन टूर्नामेंट होउछि। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप रो सिलेक्शन टूर्नामेंट एथरे इंडिया सारा रु 1500 पिला पार्टिसिपेट करछंती। पांचटा आमर टूर्नामेंट रो इवेंट एज ग्रुप माने इवेंट कैटेगरी अछि सिंगल्स डबल्स मिक्स डबल्स करिकि आउ एथरु जे पिला जे एथरे सिलेक्ट हेबे से माने जिबे हमर जो सिलेक्शन ट्रायल्स अच्छी गोटे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप रो सेटी खेलवापे यू सिलेक्ट होती तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट क्यों कहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर रो से पिला चाइना रे जाके खेलिबे सेप्टेम्बर मसरे तो ये टूर्नामेंट होस्ट करवाटा इटसेल्फ आमपाई ओएसबीए गोटे बहुत प्रेस्टिजियस जिनस एत बड़ इनफ्रास्ट्रक्चर इंडिया सबुत बड़ इंडोर इनफ्रास्ट्रक्चर बनई सार देखते अच्युत सार आतीपाई जिते भी खाली बैडमिंटन नुह जिते इंडोर स्पोर्ट्स वाला थैंक यू कहे से मानने कम हो मानने फ्री ऑफ कॉस्ट आमको ये अरेंज करने को दौरान जोटा कि मुझ भावुनि किए भी दौथ तो भाया पर्सनालीटी जी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करुच्ची मुझे बहुत हवा कथा सब स्टेट रहा कथा मुझ बहुत बहुत धन्यवाद देवी सार को।